हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। देखते हैं आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है, क्या देना चाहते हैं एंजल्स, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। आपके लिए सबसे पहले पहला मैसेज है कि आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी तरफ आपकी खुशियां आ रही हैं, आपकी तरफ जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे, जैसे कि काफ़ी टाइम से अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे थे, तो आपको होप दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक फाउंडेशन जो है, जो आपने तैयार की है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसको सेलिब्रेट करने वाले फ्यूचर में ले जाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, कि आप सेलिब्रेट करेंगे फ्यूचर में। तो आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। यहाँ पर पहला मैसेज आपके लिए ये है, स्टेबिलिटी की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे खुद को बहुत ज़्यादा आप ऊपर एक लेवल अप बढ़ा रहे हैं, एक लेवल जो है ऊपर ले जा रहे हैं। वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, आपका काम हो सकता है, आपका रिलेशनशिप होता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका करियर, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आपका कुछ भी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो उसको लेकर आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप थोड़ा सा लड़खड़ा भी रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि उसको बिल्ड करें, वो एक अच्छा बिल्डिंग तैयार होगी। आप उसका जो नींव है वो इतना मजबूत रखें कि वो बिल्डिंग जो है आगे चल के बहुत स्ट्रांग होगी, जो कि आपकी एक नींव जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर आप थोड़ा बहुत बीच में भटक गए हैं तो उस भटकने से वापस लौट कर आएँ, अपनी चीज़ों पर वापस से ध्यान दें, अपने आप को वापस से पॉलिश करें, निखारें, तैयार करें और सेलिब्रेशन की दुनिया में वापस आएँ। इस एनर्जी में आप टैप इन कर पाएँ, उतर पाएँ, महसूस कर पाएँ इसको। ओके, तो यहाँ पर जो पहला मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आप अपनी जो ऊर्जा है, फाउंडेशन है, आप उसमें मन लगाएं, ध्यान लगाएं। जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है, आपके साथ अगर चीज़ें जो कार्मिक है वो यहाँ पर एंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें, जो चीज़ें यहाँ पर आपके लाइफ में सर्व नहीं कर रही। यहाँ पर आपको एक मैसेज ये भी कुछ लोगों के लिए है कि सही चीज़ें देखें। आपकी जो फाउंडेशन है हो सकता है उसमें आप सही डिसीजंस ना ले पा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा लड़खड़ा गई है। सही डिसीजंस लें, सही चीज़ें देखें, मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसको देखकर अपनी फाउंडेशन को तैयार करें, अपनी बिल्डिंग को रेडी करें। हो सकता है ये बिल्डिंग की जो नींव है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाए। क्यों? क्योंकि आप शायद सही देख कर भी सही नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए पहला तो मैसेज यहाँ पर यही है कि अपनी चीज़ों को पहले तो क्लियर देखें, क्लियर करें करना क्या है। बहुत ज़्यादा किसी से 100 सवाल के 100 जवाब 100 लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद से देखने की ज़रूरत है कि ये सवाल मेरे ही अंदर छिपे हैं और मैं ही इनको ढूंढ सकता हूँ या सकती हूँ। बैलेंस करें अपनी चीज़ों को ताकि आप इस ऊर्जा में आ पाएँ। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा अनबैलेंस चल रहे हैं अपने किसी भी चीज़ में, रिलेशन में, प्रोफेशन में, जॉब में, करियर में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी इस ऊर्जा में जाएं कि आप सबसे पहले एक नोट बनाएं कि क्या है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, क्या है जो आपके लिए सही काम कर रहा है। तो छांट दें लिस्ट को और हटा दें उनको। छटनी करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सही और गलत चीज़ों में छटनी करें। जो चीज़ें सही हैं, सर्व कर रही हैं, काम कर रही हैं आपके लिए, आपके आसपास काम कर रही हैं, उसे रखें और बाकी चीज़ों को यहाँ पर जाने दें। इस ऊर्जा की मैं बात करूँ तो क्यों इतना परेशान किया है खुद को, पहला मैसेज कुछ लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा आपने अगर खुद को परेशान कर रखा है तो क्यों परेशान कर रखा है। बहुत ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं तो ध्यान दें। मैंने कहा ना, यहाँ पर सही और गलत की एक पर्चियाँ बनाएं, लिखें और क्या क्या मेरे लिए काम कर रहा है वो ढूंढें और हटाएं। बेसिकली ये ऊर्जा जो है यहाँ पर आपको चीज़ों को अपनी हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और यहाँ पर सही और गलत चीज़ों को छटनी करने के लिए बताया जा रहा है। अपनी इंटेलेक्ट को यहाँ पर स्ट्रांग करने के लिए कहा जा रहा है ताकि इस ऊर्जा में आप आ पाएँ, ये महसूस कर पाएँ, इसकी ऊर्जा, इसकी खुशी को आप देख पाएँ, महसूस कर पाएँ। अगर आप काफ़ी ज़्यादा केयरलेस पर्सन हैं तो यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि नो, ये समय केयरलेस दिखाने का नहीं है, लापरवाही करने का नहीं है, चीज़ों को समझने का वक्त है ये।
ओके तो चीजें समझें, बहुत ज्यादा लापरवाही आपको शायद आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत दे सकती। कुछ लोग यहाँ पर अपने पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, अपने पास्ट से निकल ही नहीं पा रहे हैं, अपने पास्ट में इतने ज्यादा परेशान हैं कि इस ऊर्जा में तो बहुत कोसों दूर हैं। तो कैसे ही वो न्याय करेंगे खुद के साथ, कैसे अपने साथ न्याय होने देंगे, कैसे अपनी चीजों को बैलेंस होने देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैसेज है वो यही है कुछ लोगों के लिए कि पास्ट में कब तक डूबे रहेंगे। अगर आप पास्ट को छोड़ेंगे नहीं तो फ्यूचर में टैप इन कैसे करेंगे, फ्यूचर की जो ऊर्जा आ रही है उसे कैसे महसूस करेंगे। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि कुछ ही लोग जो है बहुत ज्यादा पास्ट में रह रहे हैं तो उनको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। जितने भी अगर आप लोग यहाँ पर लापरवाहियां बरत रहे हैं अपने काम में, अपने चीजों में, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, किसी भी चीज में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव मांग रहा है कि बहुत हो गया लड़कपन, बहुत हो गया बचकांड, बहुत हो गया भोलापन, थोड़ी सी मैच्योरिटी क्यों ना लेकर आई जाए, थोड़ा सा एक जो अनाड़ीपन है आपके अंदर उसको थोड़ा सा एक लेवल अप लेकर जाए। यहाँ पर मैं नटखट शब्द मुझे मैसेज हो रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर नटखटपना है तो उसको कैरी रखें, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। नटखटपना एक अच्छी बात है, सबके अंदर, हमारे सभी के अंदर एक चुलबुल नेचर होता है, लेकिन वो चुलबुल नेचर कहाँ पर और कैसे काम करना है इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा चीजों पर सावधानी से ध्यान देने की जरूरत है, सावधानी से सोचने की जरूरत है, डिस्टर्बेंस से निकलने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी को यहाँ पर धोखा दे रहा हूँ, चीट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, तो थोड़ा सा अवेयर रहे। अवेयरनेस की ऊर्जा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर अपने आसपास के लोगों के साथ अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है। अवेयर रहें ताकि कोई नुकसान हो तो उससे बच सकें, कोई घटना घटित हो तो उससे बच सकें। तो अवेयर होने में कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता अवेयर होने में। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप अवेयर रहें। ओके, अगेन खुद को थोड़ा सा सेल्फ, आज ये कार्ड तीसरी बार आया हुआ है रीडिंग में, खुद को थोड़ा सा मेडिटेट करें, खुद को थोड़ा सा हीलिंग दें, खुद को थोड़ा सा आराम दें। बहुत ज़्यादा अगर प्रेशराइज्ड हैं आप, बहुत ज़्यादा दूसरों को खुश करने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप खुद को अकेला कर ले रहे हैं दूसरों के लिए, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं या अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हर्मिट की ऊर्जा बहुत शांत ऊर्जा है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर शांति के लिए बोला जा रहा है। मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो मेडिटेशन करें, अगर आप हीलिंग प्रोसेस जानते हैं तो हीलिंग प्रोसेस करें, कुछ भी नहीं जानते हैं तो अपना अपने आप को हील करें, अपने अफर्मेशन डालें, अपने आप और क्लीन करें। यहाँ पर जो मैसेज है वो कहने का मतलब ये कि खुद को पेन में ना रखें, खुद को दुखी ना रखें। जिन भी लापरवाहियों से अगर आप परेशान हो चुके हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, उन मुद्दों पर थोड़ा सा सावधानी से ध्यान दें ताकि वो चीज़ें आगे चलकर गड़बड़ ना हो। ओके, तो अपने आप को हील करें। मैसेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर आप खुद को हील नहीं कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ, तो फिर ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि खुद को पहले देखें उसके बाद दूसरों के लिए सोचें। और ये होना भी चाहिए, आप हम खुद को ही अच्छा नहीं करेंगे तो हम दूसरों को अच्छा कैसे कर पाएंगे, खुद की हीलिंग नहीं करेंगे तो दूसरों को हील कैसे कर पाएंगे। ओके, तो इस टैप इन, इस ऊर्जा में खुद को ज़्यादा देर तक टैप इन रहने के लिए नहीं बोला जा रहा, पीसफुल एनर्जी में जाएं, मेडिटेशन करें, हील करें ताकि मन को शांत हो पाए। ओके, तो ये कुछ रीडिंग थी निकल के जो आई है, आपको इस ऊर्जा में जाने के लिए कहा जा रहा है, इस ऊर्जा से निकलने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जरूर नहीं हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, जिसके साथ जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।